पद्दू बहुत गरीब था। पद्दू की माँ मच्छर का खून चूस चूस कर अपना और अपने बेटे पद्दू का पेट भरती थी। ले ले मेरा बेटा, मच्छर का खून पिएगा? हाँ मम्मी। रुक जा, मैं अभी तेरे लिए मच्छर पकड़ के लाती हूँ। ठीक है मम्मी। फिर एक दिन किसी ने पद्दू को ड्रीम इलेवन के बारे में बताया। समझा पदुआ, इस पर तुम 49 रुपया का टीम बनाकर करोड़ों रुपया जीत सकता है। ए मम्मी, 49 रुपया दो ना, ड्रीम इलेवन पर टीम बनाएंगे। बेटा मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। A few inches later. ए मम्मी, 49 रुपया का जुगाड़ करो ना प्लीज। मेरे पास पैसा नहीं है भाग। प्लीज मम्मी, पैसे का जुगाड़ कर दो ना। अच्छा ठीक है, मैं तेरे पापा की फटी हुई चड्डी बेचकर पैसे का जुगाड़ करती हूँ। अब हम भी करोड़पति हो जाएंगे। 6.5 hours later. नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। मेरे हस्बैंड की एक चड्डी है जो थोड़ी सी फटी हुई है, वो मुझे बेचना है। आपका खोपड़ी घूम गया है क्या मैडम? निकलिए यहाँ से, भागिए। ला रे बांस लाता, एक बांस लगेगा कि चड्डियाँ बेचवा देंगे। A few inches later. पैसा का जुगाड़ तो नहीं हो पाया, अब हम पद्दू को क्या जवाब देंगे? क्या हुआ बहन, बहुत उदास लग रही हो। अब क्या बताए भक्चोनर भाई, पद्दू को 49 रुपए की जरूरत है और मेरे पास एक अठन्नी भी नहीं है। पदुआ पैसा लेके क्या करेगा? ड्रीम इलेवन पर टीम बनाएगा। तुम टेंशन मत लो बहन, मैं अभी 50 रुपया पेटीएम करता हूँ। ठीक है। 12 seconds later. पद्दू ड्रीम इलेवन पर 49 रुपया लगा कर टीम बनाता है। A few inches later. आपको समझ में नहीं आ रहा है, मोबाइल हटाइए। अरे रुकिए ना मैडम, एक रील बना लेते हैं, डांस करो तो बाबू। अंकल नागिन धुन लगाइएगा तब ना डांस करेंगे। पदुआ चुप, नहीं करना है डांस, आप जाइए यहाँ से, हटिए। अरे जाइए ना। अरे मैडम आप समझ नहीं रही हैं, आपके बेटवा को तो हम रातों रात स्टार बना देंगे। इसको नहीं बनना है स्टार। अरे बाबू तुमको स्टार बनना है ना? हाँ अंकल, हमको भी रील्स बनाना है और स्टार बनना है। पदुआ चुप। चलो बाबू डांस करो, डांस करो। अरे आप जाइए ना, माथा काहे खराब किए हुए हैं, मोबाइल धाके फोड़ देंगे कि रील्स बनाते रह जाइएगा। Tomorrow. अंकल एगो बात पूछे। पूछो। रील्स बनाने पर पैसा वैसा भी मिलता है क्या अंकल? अरे मालामाल हो जाओगे बेटा, एक बार रील्स बना कर तो देखो। ठीक है अंकल। मम्मी हमको रील्स बनाने के लिए एगो स्मार्टफोन खरीद दो ना। तू ये लात में रील्स का भूत उतर जाएगा समझा? अंकल आप अपना वाला मोबाइल हमको देना दीजिए प्लीज। भाग ससुरी के। मम्मी एगो स्मार्टफोन खरीद दो ना प्लीज। मेरे पास पैसे नहीं है, खुद कमा के खरीद ले। कोई तो स्मार्टफोन खरीद दो, मुझे भी रील्स बनाना है। लगता है अब लेमन चूस बाबा के पास जाना पड़ेगा, अब तो लेमन चूस बाबा ही एक सहारा है। 12 seconds later. हो लेमन चूस बाबा। रे बहिरा लेमन चूस बाबा। ससुरी के कौन नींद खराब कर रहा है? अरे ये तो पद्दू बालक है। ए बालक बोलो क्या समस्या है? उठिएगा तब ना समस्या बताएंगे। रह बालक तुम समस्या बताओ, हम सब सुन रहे हैं। हो बाबा हमको एगो स्मार्टफोन खरीदना है, 10,000 रुपया दीजिए ना उधार, हम धीरे धीरे करके वापस कर देंगे। मामला गंभीर है बालक, एक काम करो। बोलिए ना। मेरे पास एगो बिजोड़ मंत्र है, अगर वो मंत्र मार दिए तो रातों रात माला माल हो जाओगे बालक। हो बाबा जल्दी मारिए ना मंत्र। पहले 1,000 रुपया दक्षिणा देना पड़ेगा बालक। खाता में लिखना लीजिए, हम बाद में दे देंगे। ठीक है बालक आओ मेरे साथ। A few inches later. लेमनचूस ने 2 सोने का सिक्का बेचकर अपने लिए एक आईफोन भी ले लिया। की हो लेमनचूस बाबा, लॉटरी उटरी लगा है का? रशियन से ढील हरवाते हैं, नया न्यू आईफोन चलाते हैं आए? नहीं बालक ऐसी बात नहीं है, साला जंगल में मच्छर बहुत काटता है, अब लगता है बुर्ज खलीफा खरीदना पड़ेगा, 100 मंजिल पर रहेंगे तो मच्छरों नहीं पहुँच पाएगा। इधर लेमनचूस बड़े बड़े सपने सजा रहा था और उधर पद्दू के बड़े बड़े सपने टूट रहे थे। साला 7 दिन में 50 रील्स डाल दिए, फिर भी कोनो लाइक और फॉलो नहीं किया। रुको अभी इंस्टाग्राम डिलीट करते हैं, चाहे तन का वेट कर लेते हैं, एक बार लेमनचूस बाबा से भेंट कर लेते हैं, कहीं उनके पास रील्स वायरल करने का कोई मंत्र हुआ तब मजा आ जाएगा। A few inches later. हो लेमनचूस बाबा। जोमैटो और स्विगी इंस्टॉल कर लेते हैं, जब जब भूख लगेगा फुर से खाना ऑर्डर कर लेंगे। अरे साला लेमनचूस बाबा तो आईफोन चलबै छौ। हो लेमनचूस बाबा। साला कौन गला फार रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है हम आईफोन चला रहे हैं। ससुरी के मच्छर बहुत परेशान कैले है। हो लेमनचूस बाबा हम पद्दू हैं। अरे साला ये तो पद्दू बालक है। रिंग भिरिंग पो।
क्या रे पद्दू बालक, बहुत दिन बाद याद किया, बोलो क्या समस्या है? अरे तोरी के लेमन चूस तो आईफोन चला रहा था, उधर कैसे पहुंच गया? हो बाबा, रील्स वायरल करने का कोनो मंत्र है कि आपके पास? रील्स वायरल करने का मंत्र तो है बालक, लेकिन 1000 रुपया दक्षिणा देना पड़ेगा। हो बाबा हो, हम आपके पुराने कस्टमर है, कुछ डिस्काउंट दे दीजिए। ठीक है बालक, चलो हम तुमको 50% का डिस्काउंट दे दिए, अब तुमको 500 रुपए ही पे करने पड़ेंगे। थैंक यू बाबा। इट्स ओके बालक। बालिका। यस बाबा, हाउ कैन आई हेल्प यू? प्लीज मेक अ गर्मा गर्म कप ऑफ टी फॉर मी। ओके बाबा। अरे साला, ये दोनों कौन है? हो बाबा, ये दोनों कौन है? ये दोनों रशियन बालिका है, अगर ढील उल हेरवाना होगा तो आ जाना। ठीक है बाबा, अब चलिए ना रील्स वायरल करने का मंत्र पढ़ने। अरे हाँ बालक, मैं तो भूल ही गया था, आओ मेरे साथ। A few inches later. रिंग भिरिंग रील्स वायरल होइंग। रिंग भिरिंग रील्स वायरल होइंग। पो 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 रील्स वायरल होइंग। पो 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 रील्स वायरल होइंग। तुम्हारा काम हो गया बालक, अब 24 घंटा के अंदर में तुम्हारा रील्स वायरल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हमार दक्षिणा निकालो। ओ बाबा, अभी पैसा लेके नहीं आए हैं, खाता में लिख लीजिए, बाद में दे देंगे। ठीक है बालक, नो प्रॉब्लम, अब तुम जा सकते हो। ठीक है बाबा, प्रणाम। रहत बालक, खुशी रहो। The next day. पद्दू भैया जिंदाबाद। पद्दू भैया जिंदाबाद। पद्दू भैया सुपरस्टार सुपरस्टार सुपरस्टार। देखो पदुआ का 1 मिलियन फॉलोअर हो गया, पदुआ तो सुपरस्टार हो गया। नहीं पदुआ नहीं हो सकता, पदुआ का तो 0 फॉलोअर था, फिर रातों रात 1 मिलियन कैसे हो गया? ठीक से दिखाइए था। अरे भाई, ये तो पदुए हो, पदुआ का तो 1 मिलियन फॉलोअर हो गया। अरे पदुआ उठ, 10 बज गया। आए जा साला, हम तो सपना देख रहे थे। 12 seconds later. लेमनचूस बाबा बोले थे कि 24 घंटा के अंदर में रील्स वायरल होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अभी तक एको को रील्स वायरल नहीं हुआ है। वो तो अच्छा हुआ कि हम पैसा लेके नहीं गए थे, न तो लेमनचूसबा फेरू दक्षिणा के नाम पर 500 रुपया का चूना लगा देता। लेमनचूसबा से कुछ नहीं होने वाला है, खाली झूठों के पोपो पोपो करता है या पैसा ठगता है। अब मेरा कुछ नहीं होने वाला है, अब तो लगता है हमको सच्चों में इंस्टाग्राम डिलीट करना पड़ेगा। A few inches later. इधर पद्दू रील्स बनाने में बिजी हो गया और उधर लेमनचूस ने 15 सोने का सिक्का बेचकर 2 रशियन बालिकाओं को जुए निकलवाने के लिए बुलाया। आर यू लेमनचूस बाबा? यस बालिका। व्हाट इज योर ओरिजिनल नेम? माय ओरिजिनल नेम लेमनचूस कुमार। लेमनचूस? यस यस। ओ वाओ, थैंक यू बालिका। बिकॉज इन बचपन व्हेन आई सी लेमन आई स्टार्ट चूसिंग, सो माय मम्मी पापा पुटेड माय नेम लेमनचूस। वाओ नाइस नेम, टेल मी मोर अबाउट योरसेल्फ प्लीज। यस बालिका, व्हाई नॉट, इन बचपन आई एम वेरी लूज इन स्टडी, बिकॉज आई नॉट लाइक स्टडी, सो माय मम्मी पापा निकालिंग मी फ्रॉम हाउस, एंड आफ्टर सो मच स्ट्रगल आई बिकम बाबा लेमनचूस बाबा। बालिका अंडरस्टैंड? यस यस, नाइस स्टोरी। चलो चलो, अब चुपचाप ढील हेरो, न तो रसिया वापस भेज देंगे। लेमनचूस के लाइफ में फुल मस्ती चल रही थी, बस यूं समझ लीजिए कि लेमनचूस का लाइफ एकदम सेट था। लेकिन बेचारा पद्दू रील्स बना बना कर थक चुका था, क्योंकि उसे 1-2 ही लाइक्स मिलते थे और कोई उसे फॉलो नहीं करता था। साला कोई हमको फॉलो नहीं करता है, अरे कोई तो हमको फॉलो कर लो, या देखो हम स्टाइल मार के दिखाते हैं। अब तो फॉलो कर लो। भाग साला, ये काम हमरा से ना होने वाला है, अब हम रील्स वील्स नहीं बनाएंगे, इंस्टाग्राम डिलीट कर देंगे। A few inches later. पद्दू भैया जिंदाबाद। पद्दू भैया जिंदाबाद। पद्दू भैया सुपरस्टार सुपरस्टार सुपरस्टार। देखो पदुआ का 1 मिलियन फॉलोअर हो गया, पदुआ तो सुपरस्टार हो गया। नहीं पदुआ नहीं हो सकता, पदुआ का तो 0 फॉलोअर था, फिर रातों रात 1 मिलियन कैसे हो गया? ठीक से दिखाइए था। अरे भाई, ये तो पदुए हो, पदुआ का तो 1 मिलियन फॉलोअर हो गया। A few inches later. छलका तो हमारो जवानी आए रोज। अरे साला, ये पदुआ है क्या? हमको तो विश्वास नहीं हो रहा है, फटीचर के पास ईयरफोन कहाँ से आया, सैमसंग का मोबाइल कहाँ से आया? पता लगाना पड़ेगा कि मैटर क्या है। दूर साला। 12 seconds later. की दोस्त, की हाल चाल? ठीक है पद्दू भाई, साला नया न्यू कोट, ये पदुआ इतना पैसा कहाँ से लाता है? पदुआ ट्रिक का यूज करके पैसा कमाता है। लेकिन उसको पैसा कमाने का ट्रिक कौन बताता है? टीसी विथ गुरुजी। जियो, ये तो सच में कमाल का चीज है, हम अभी जाके टीसी विथ गुरुजी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, हम अभी घर जाते हैं और टीसी विथ गुरुजी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं। आप लोग भी जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, घर बैठे पैसा कमाइए। A few inches later.
अरे बाप रे बा कथी भेलौ रे रे भाई पदुआ के देखना अरे साला पदुआ तो एकदम हीरो लगे छु रे भाई नया नया कोट नया नया जूता रे भाई सुने है पदुआ आजकल खूब ऑनलाइन शॉपिंग करता है सस्ते सस्ते में सामान सब मंगवा लेता है अच्छा ई बात है हाँ A few inches later. पद्दू भाई कौन है रे इन्ने आइए ना साला कौन बुला रहा है देखे तनी अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहा है सुने हैं आप बहुत सस्ता में ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं हाँ तो बापरे बा हम लोग को भी कुछ कुछ मंगवाना है ऑनलाइन से लेकिन कोनो ऑफर नहीं मिलता है आप कोनो ट्रिक बताइए ना A few inches later. देखे तनी अंकित बालक का कितना सब्सक्राइबर हुआ अरे साला अंकित बालक का तो 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाला है खर्चा पानी नहीं किया तो बड़ी मार मारेंगे ए, ए, दुगो आरो चाहिए 99 1 मिलियन A few inches later. बालक हाँ बाबा साला 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गया लेकिन तुम खर्चा पानी नहीं किया कौन सी खाइएगा बताइए केक मंगवा दे ए, बालक केक उक नहीं मंगवाओ काहे ला बाबा हमर पेट तनी गड़बड़ है तुम एक काम करो फल फ्रूट का व्यवस्था कर दो ठीक है बाबा One hour later. ए, बालक सब आराम आराम से खाओ कोई हड़बड़ी नहीं है ठीक है बाबा हो बाबा बोलो बालक पलटू चा और कलुआ को भी बुला लेते हैं बालक पलटू बहुत डेंजर आदमी है उसको मत बुलाओ साला 1:47 लेके पहुँच गया तो गड़बड़ हो जाएगा ठीक है बाबा अरे तोरी के इधर तो पार्टी चल रहा है साला अंकितवा हम लोग को पार्टी नहीं दिया अभी जाके पलटू चा को बताते हैं हे दिल वाले गल पियर की फराक वाली हो पलटू चा जुलुम हो गया कौन सी हुआ रे उधर लेमन चुसवा सबका पार्टी चल रहा है लेकिन साला अंकितवा हम लोग को पार्टी नहीं दिया कलुआ साला रुकना पलटू चा अंकितवा बुला रहा है हो पलटू चा आइए नाश्ता पानी कर लीजिए हटना रे साला जा रहे हैं नाश्ता करने अंकितवा बुला रहा है 12 seconds later. Congratulations, अंकित बेटा 1 मिलियन सब्सक्राइबर के लिए आना रे कलुआ नाश्ता पानी कर ले ना हमर पेट भरा हुआ है हम जा रहे हैं सोने भाग साला The next day. साला हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि कौन कंपनी का मोबाइल ले सैमसंग का ले लेते हैं ना वीवो का ठीक रहेगा चाहे मोटरोला का ले लेते हैं ना ना ओप्पो का ले लेते हैं दूर साला एगो काम करते हैं एप्पल का मोबाइल ले लेते हैं सबसे बेस्ट रहेगा हाँ अब जल्दी से जाते हैं खेत में 2-3 गो सिक्का निकाल के ले आते हैं A few inches later. जा साला हमारे सिक्का के निकल अरे इधर तक गार के गए थे रे बलैया के पूरा बर्तन गायब हो गया लगता है कोनो हमारे सोना का सिक्का टपा दिया ओहो साला भारी मिस्टेक हो गया सोचे थे सोना का सिक्का बेच के एप्पल का मोबाइल लेंगे रील्स वील्स बनाएंगे सुपर स्टार बनेंगे लेकिन साला हमारे सोने का सिक्का चोरी हो गया सब सपना चकना चूर हो गया आगे मैया लेकिन हम भी पीछे नहीं हटेंगे हम उस चोरबा का पता लगा के रहेंगे अभी हम जाते हैं लेमनचूस बाबा के पास लेमनचूस बाबा अपनी शक्ति से उस चोरबा का पता लगा लेंगे Few inches later. एकर जगह बलुआ बगिया गोरी अब हम हो गए मालामाल अब पद्दू बालक हो गया कंगाल हा 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 ओ लेमनचूस बाबा अरे बाप रे ये पद्दू बालक है कि नहीं कोई और होगा ओ लेमनचूस बाबा अरे बाप रे ये तो पद्दू बालक है अगर इसको पता चल गया कि इसका खजाना हम चुराए हैं तो साला ये हमको जिंदा नहीं छोड़ेगा चलो खजाना को तो ठिकाना लगा दिए अब तनी पद्दू बालक से भेंट कर लेते हैं रिंग रिंग पो ओ लेमनचूस बाबा बालक बोलो क्या समस्या है हो बाबा हमर सोना का सिक्का चोरी हो गया चोरी हो गया तो हम क्या करें बालक आप अपना जादू से चोरबा का पता लगाइए अरे बाप रे देखो बालक ये काम पुलिस का है हम इसमें तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते रिंग रिंग पो 12 seconds later. साला लेमनचूस बाबा भी हमर हेल्प नहीं किया अब तो लगता है कि हमर सोना का सिक्का गया अगर पुलिस से हेल्प मांगने जाएंगे तो उल्टा हमरे से सवाल जवाब करने लगेगा कि सोना का सिक्का कहाँ से मिला कैसे मिला भाग साला तनका से गड़बड़ा गया न तो मोबाइल का जुगाड़ तो हो ही जाता अब तो हमको फेरू मेहनत करके पैसा कमाना होगा काहे कि अगर मोबाइल का जुगाड़ नहीं हुआ तो हम रील्स कैसे बनाएंगे A few inches later. साला लेमन चुस्बा दुद्दू को रसियन से ढील हेरवाता है नया न्यू आईफोन चलाता है हमको तो समझ में नहीं आता है कि फटीचर लेमन चूस इतना पैसा कहाँ से लाता है कहीं हमर सोना के सिक्का नहीं नहीं लेमन चूस बाबा ऐसा नहीं कर सकते और वैसे भी सोना के सिक्का के बारे में खाली बकरी बहन को मालूम था लेमन चूस को थोड़े ही पता था कि हमको सोना का सिक्का मिला है हमको कल सोना के सिक्का से भरा हुआ एगो बर्तन मिला सोना के सिक्का से भरा हुआ बर्तन बालक हाँ बाबा बोलिए वो बर्तन तुमको कहाँ मिला हमारा खेत में था और अभी वो कहाँ है
है? खेते में है, हम उसको जमीन के भीतर गाड़ दिए हैं। बहुत अच्छा किया बालक। अरे साला ई का, हम तो लेमन चुस्बो को सिक्का के बारे में बताए हुए थे, इसका मतलब लेमन चुस्बे हमारे सिक्का चुराया है। चोरवा लेमन चूस, हम आ रहे हैं अपना सिक्का वापस लेने। 12 seconds later। रे चोरवा लेमन चूस बाबा। रह बालिका। यस लेमू डार्लिंग। हु इज कॉलिंग मी चोरवा लेमन चूस? योर पद्दू बालक इज कॉलिंग यू, ही इज वेरी एंग्री। रे लेमन चूस बा, इन्ने आना रे सलेटर पक्का। तनी देखे पद्दू बालक को क्या समस्या हो गया। रिंग रिंग। रह बालक बोलो क्या समस्या है। साले हमार सोना के सिक्का वापस कर। अरे बाप रे, इसको कैसे पता चला कि इसका सिक्का हम टपाए हैं? रह बालक, तुम कौन सिक्का के बारे में बात कर रहा है? हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वही सिक्का जिसे बेचकर तूने रशियन को बुलवाया, वही सिक्का जिसे बेचकर तूने आईफोन चलाया। साला हम कितना भरोसा करते थे तुम पर, लेकिन तुम धोखेबाज निकला ले मंचूस। अरे साला ये तो धोती खोल रहा है। रह बालक, हम नहीं लिए हैं तोहर सिक्का उक्का। जाओ जाओ, माथा नहीं खराब करो। आज तो हम अपना सिक्का लेकर ही जाएंगे। निकाल हमर सिक्का। देखो बालक, हम तोहर सिक्का उक्का नहीं लिए हैं, प्यार से समझा रहे हैं तो समझ लो। अगर हमर हाथ उठ गया तो साला तू दुनिया से उठ जाएगा। काहे कि सन्नी देवल का हाथ तो 2.5 किलो का था, लेकिन हमर एगो हाथ है 10 किलो का। अगर तू एक बाप की औलाद है तो आजा मैदान में चोरबा ले मंचूस। ये साला ऐसे नहीं मानेगा, अब तो लगता है इसका हलवा टाइट करना ही पड़ेगा। A few inches later. चोरबा कहीं का, हमार सिक्का वापस कर। रहे बालक, एक बार बोल दिए ना तुम्हारा सिक्का मेरे पास नहीं है, अब जाओ। साले तू एक बारी नीचे आ, तोहर दोनों टंगरी ना झाड़ दिए तो हमरो नाम पद्दू नहीं। रहे बालक, तमाशा नहीं बनाओ, चुपचाप घरे जाओ, सब लोग देख रहे हैं। देख रहे हैं तो देखने दो, आज तो हम अपना सिक्का लेकर ही जाएंगे। एनी प्रॉब्लम लेमू डार्लिंग? नो डार्लिंग, यू गो। रुक बेटा, हम आते हैं लौंडा सबको लेके। A few inches later. बाप रे बाप, पदुआ लौंडा सबको बुलाने गया है। हम भी 2-4-10 गो लौंडा सबको जुटा लेते हैं प्रोटेक्शन के लिए, आज फैसला हो ये जाए। देखते हैं मामा को फोन करके। हेलो हेलो मामा। हाँ भांजा बोलना। प्रणाम मामा। अरे भांजा तुम रो काहे रहा है रे, का हुआ, कोनो बात है का? मामा। रे साला खाली मामा मामा करेगा कि आगे भी कुछ बोलेगा? हो मामा, एगो मैटर हो गया है। आए? मैटर हो गया है? लड़की का चक्कर है क्या? दे मर दे, लड़की उड़की का चक्कर नहीं है। आए? तब कौन मैटर है, तनका विस्तार में बताओ। हो मामा, एगो बाबा है लेमन चूस, उस साला हमार पैसा चुरा लिया है, अब मांगने जाते हैं तो नहीं देता है। ना भांजा ना, तू टेंशन ना ले, हम अभी लौंडा सबको लेके पहुंच रहे हैं, उस लेमन चूस की ऐसी की तैसी। रे गाड़ी स्टार्ट कर। A few inches later. जा साला, गाड़ी में तो पेट्रोल खत्म हो गया, अब कैसे जाएंगे? लगता है अब साइकिले से जाना पड़ेगा। निकाल रे साइकिल निकाल, चल चल जल्दी चल, ज्यादा टाइम नहीं है। साला आज लेमन चुस्बा को नहीं छोड़ना है। अब चलिए ना सर, हम आते हैं आपके पीछे पीछे। अरे बाप रे बाप। A few inches later. रे भाई लगता है पदुआ नहीं आएगा, लेमन चुस्बा झुठो के हमरा सके बैठा ले है। अरे भाई ठीक बोल ले, चल घरे। एक बार लेमन चूस से पूछना लो, मारपीट होगा कि हम लोग जाए घरे। लेमन चूस बाबा, अब लगता है पदुआ नहीं आएगा, हम लोग जाते हैं घरे। थोड़ा देर और वेट करो, पदुआ अब आता ही होगा। ठीक है, 5 मिनट और वेट कर लेते हैं। कौन छोड़ लग रहे इतना गंदा? मामा। हाँ भांजा। चोरबा लेमन चूस बाबा। आए, पदुआ किसको लेके पहुँच गया? रे चोरबा लेमन चूस, तम है तो आजा मैदान में। एक लौंडा को लेके आया है और लेमन चूस को ललकार रहा है, इसके लिए तो मेरा बाया हाथ ही काफी है। रे लौंडा सब, मारपीट करने के लिए रेडी हो जाओ। आए, ये किसको रेडी होने के लिए बोल रहा है? हम लोग रेडी है सर, बस आप हुकुम कीजिए। बाप रे बाप, रहे लौंडा सब, तुम लोग भी रेडी हो जाओ। 12 seconds later. रहे लेमन चुस्बा, हमार सिक्का वापस कर। देखो बालक, तुम्हारा सिक्का मेरे पास नहीं है, समझा? रहे लेमन चुस्बा, हमार भांजा के पैसा वापस कर देना तो अच्छा नहीं होगा। देखो बालक सब, हम कोई लफड़ा नहीं चाहते हैं, चुपचाप इधर से निकल जाओ। जब तक हमार पैसा नहीं मिलेगा हम इधर से नहीं हिलेंगे। मार रहे लेमन चुस्बा के, मार। रहे बालक रे, आराम से मार रहे, मार सलाके। लास्ट वार्निंग दे रहे हैं बालक, इधर से निकल जाओ। पहले हमार सिक्का लाओ। हमार भांजा के बालक सब ऐसे नहीं मानेगा। रहे लौंडा सब, लतम जुतम शुरू करो। धर रे लेमन चुस्बा के टंगड़ी धर। रहे बालक, टंगड़ी छोड़ के बात करो। हो मामा हो, बचाव ना हो। देखो बालक, लड़ाई पीट करने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम्हारा सिक्का मेरे पास नहीं है। ओ मामा, लेमन चुस्बा के टंगड़ी धर। मार पीट करने के बाद भी पद्दू को सिक्का नहीं मिला और बेचारे पद्दू ने हार मान ली। सोने का सिक्का हमारा आखिरी सहारा था, वो भी चला गया। अब हम जीना नहीं चाहते, अब हम मर जाएंगे। मामा हम जा रहे हैं।
ना भांजा ना, ऐसा नहीं करो। सिक्का तो दोबारा मिल जाएगा लेकिन साला जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। तो अब आप ही बताइए मामा, हम क्या करें? बताइए ना। अब हम दोनों मिलके लेमन जूस से बदला लेंगे, साले को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मेरे पास एक मस्त प्लान है भांजा। A few inches later. ये तो हेलीकॉप्टर का आवाज है। अरे साला, ये हेलीकॉप्टर तो हमरे इधर आ रहा है, हमको तनी खतरा का आभास हो रहा है। अगर जान प्यारी है तो भाग लेमन चूस। पद्दू बालक, मामा ऑर्डर दीजिए, लेमन चूस मेरे निशाने पर है। रह भांजा, हमारा ऑर्डर का काहे वेट कर रहा है तू? उड़ा दो साले को, बम एक्टिवेट हो चुका है। उड़ा दो भांजा, उड़ा दो। ठीक है मामा, हम अभी निशाना लगाते हैं। हेलीकॉप्टर तो धीरे धीरे हमारा नजदीक आ रहा है। अरे बाप, बालक बचा के। मामा निशाना चूक गया, दूसरा बम लॉन्च कीजिए। रहे बोक्का, निशाना ठीक से लगाओ, दूसरा बम लॉन्च हो चुका है भांजा। उड़ा दो, उड़ा दो। ठीक है मामा, 1 2 3। साला तो पीछे पड़ गया, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाए लेकिन मैं सोना का सिक्का वापस नहीं करूंगा। अरे बाप, लटका से बच गई। मामा लेमन चुस्बा फेरू बच गया, लॉन्च कीजिए। रह भांजा, अब एक को बम बचा है, इस बार लेमन चुस्बा बचना नहीं चाहिए भांजा। मामा इस बार मेरा निशाना नहीं चूकेगा, लेमन चूस तू तो गया। अब हम यहाँ पर सेफ हैं। बाय बाय लेमन चूस। मामा आज की ताजा खबर, लेमन चूस बाबा इस दुनिया में नहीं रहे। यो भांजा, तुमने कर दिखाया, अब जल्दी से हेलीकॉप्टर नीचे उतारो। ठीक है मामा, आई एम कमिंग। और इस तरह दोनों मामा भांजे ने मिलकर लेमन चूस को टपका दिया और अपना बदला पूरा किया। A few inches later. सोना का सिक्का ही एक सहारा था, वो भी चोरी हो गया। साला जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं बचा। अब हम मोबाइल कैसे खरीदेंगे, रील्स कैसे बनाएंगे, सुपरस्टार कैसे बनेंगे? ओहो, लेकिन हम भी हार नहीं मानेंगे, दिन रात मेहनत करके पैसा इकट्ठा करेंगे, एगो बढ़िया सा मोबाइल खरीदेंगे। 3 days later. कमार ही ले ले हो चाचा, हो चाची, अगर अच्छा लगा तो ताली बजाइएगा, 150 दे के जाइएगा, बाल बच्चा सुखी रहेगा। पैसा कमाने के लिए पदुआ बहुत मेहनत करता था, कभी रिंग पहनकर कमर हिलाता था तो कभी लाठी डंडे पर चढ़ के इंसानों की तरह चलता था। हो चाचा, हो चाची, हो काका, हो काकी, 150 दे के जाइएगा, 150 दे के जाइएगा। 6 months later. दिन रात मेहनत करने के बाद भी पद्दू सिर्फ 12,000 रुपए जमा कर पाया। साला 12,000 में तो एप्पल का मोबाइल नहीं हो पाएगा। एक काम करते हैं, 10,000 में एगो बढ़िया सा मोबाइल ले लेते हैं, 2,000 जो बचेगा उसका नाश्ता पानी कर लेंगे, एगो जियो का 5G सिम ले लेंगे। 3 days later. आखिरकार पद्दू ने अपने लिए एक अच्छा सा स्मार्टफोन खरीद लिया और रील्स बनाने के लिए उसने अपने फोन में इंस्टाग्राम इंस्टॉल कर लिया। A few inches later. रोजो रोजो रोजो, बापरे कौनसी हुआ दोस्त, समछा के नीचे सांप। अरे बा, सांप किन्ने है रे? अभी ये तो देखे थे, पता ना किन्ने चला गया। बापरे, अरे साला ये तो मोटका सांप हो रे भाई। लगा लगा हट, साला मर गेलो की जिंदा हो रे। अरे भाई, ये तो डुप्लीकेट सांप हो। A few inches later. अरे ये कौनसी है आंटी? हाँ। देखो ना ये क्या है। देखे, अरे तो तरबूजा है। तरबूजा? आज तो भर पेट तरबूजा खाएंगे। आंटी हमार तरबूजा वापस कर। अभी तरबूजा मेरा है। आंटी तरबूजा लेके भगला मार रहे, आंटी के घंटी बजा दे। A few inches later. कभी, पहले टीम बना ले रे गोलुआ, तू किधर रहेगा? हम सूरजवा के टीम में रहेंगे। ठीक है, रेडी? हाँ रेडी। सूरजवा आउट हो गए, सूरजवा तू साइड हो जाओ। साला बेईमानी करता है, हम नहीं खेलेंगे। रे सूरजवा, पापा के बुला ले, बुला ले बेटा, बुला ले, हम किसी के बाप से नहीं डरते हैं, समझे? A few inches later. रुक जो दोस्त, टोपी पहने दे, साला टोपी गिर गेलो। ठीक हो, जल्दी कर, पहन ले ले टोपी। हाँ दोस्त, चल घूमे। दोस्त तोहर देह तो एकदम सरल प्याज जैसन गमक रहल हुआ, कौन परफ्यूम मार ले हा? नेचुरल परफ्यूम हो दोस्त। नेचुरल परफ्यूम मतलब? मतलब तू अगर एक महीना ना निहेबे ना, हाँ, तो अपने आप तोहर देह गम गम करे लगतौ। वाह दोस्त, ये तो बिजोड़ उपाय है, साला अब हमरा परफ्यूम खरीदे के न पड़तौ। थैंक यू दोस्त। भाई तुम अपना दोस्त है इसीलिए तुमको बता। A few inches later. बड़ा भूख लगा हुआ है, ए जल्दी एगो अंडा निकाल। पगला है क्या रे, छोड़ो हमको, छोड़। पहले एगो अंडा दे। अरे साला हम मुर्गी नहीं है, मुर्गा है, हम लोग अंडा नहीं देते हैं। अरे हक दिया, ससुर का नाती किन्ने गया। अरे रे रे रुकना रे, एगो अंडा निकाल। अरे अरे बाप रे, बेटा अंडा तो लेकर रहो, चल जल्दी अंडा निकाल। ससुर का नाती तो पीछे पड़ गया। A few inches later. अरे कैंची से कटिएगा,
मशीन क्या हुआ? मशीन खराब है सर। ओ, अच्छा कैंची से काट दीजिए, लेकिन कैंची से काटिएगा तो 20 रुपया देंगे, पहले बोल दिए हैं। सुनिए ना सर, हम दाढ़ी भी बना देते हैं, आप 40 रुपया दे दीजिएगा। 40 रुपया? A few inches later. रे कुकुर, यह देख पुलुलुलू, साले हमको पिछवाड़ा दिखाता है, पिछवाड़े में काट लेंगे समझा। संतरा खाए वो? भाग ससुर के नाते, जूठा संतरा खियाता है। लो बाबू संतरा खाओ। हम नहीं खाएंगे, जूठा है। अरे जूठा नहीं है। अरे एक बार बोल दिया ना नहीं खाएंगे तो काहे परेशान कर रहे हो जी। लो चॉकलेट खाओ। लाओ ना। तुम तो बहुत हैंडसम हो, अपना नंबर दोगे? चल भाग ससुरी के। रिंग भिरिंग पो पत्ता गायब। अरे साला ये नहीं हो सकता, तू तो बहुत भयानक जादूगर है रे भाई। रे विकास जल्दी आ, साला बिजोर जादू दिखवाई जाऊ। अब देखो जो पत्ता गायब किए थे वो वापस आ गया। आए, ये कैसे किया? जादू है जादू। अरे बाप रे बाप, साला हम पागल हो जाबू, हम पागल हो जाबू तोहर जादू देख के। रे विकसवा आना रे साला, जादू देखी ना रे। हे, अब हम ही पत्ता को फिर से गायब कर देंगे। सुई आए, असंभव अविश्वसनीय, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। जादू है जादू। जो पत्ता गायब किए हो उसको वापस ला के बताओ, तब मानेंगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। रिंग भिरिंग पो पो पो। अरे सलाई तो खतरनाक जादू। A few inches later. दाढ़ी बनाने का कितना लेते हैं? 50 रुपया। मजाक कर रहे हैं क्या? पिछली बार तो 10 रुपया में बनवाए थे। रेट बढ़ गया है सर। अच्छा ठीक है ठीक है। ई कौन सी कर रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। ई खोपड़ी मसाज है सर। अच्छा है, 50 रुपया में दाढ़ी भी बन गया और मसाज भी हो गया। सर खोपड़ी मसाज का अलग से 100 रुपया लगता है। क्या 100 रुपया? हम तो खाली दाढ़ी बनाने का 50 रुपया देंगे। 12 seconds later. सर हम तो खोपड़ी मसाज का पैसा लेंगे। हम नहीं देंगे। आप उसी वक्त बोल देते कि हमको नहीं करवाना है मसाज, हम तो भाई खोपड़ी मसाज का भी पैसा लेंगे। साला हम तुमको बोले थे खोपड़ी मसाज करने के लिए, तुम अपने मन से लबर लबर किया है तो हम पैसा काहे दे। अच्छा दाढ़ी बनवा लीजिए, दाढ़ी बनाने का 50 रुपया दीजिएगा ना। हाँ खाली दाढ़ी बनाने का पैसा देंगे। अच्छा ठीक है, मुंडी घुमाइए, पहले दाढ़ी बना देते हैं, बाद में खोपड़ी मसाज कर देंगे। बार बार खोपड़ी मसाज बोल के हमर खोपड़ी काहे गरम कर रहा है रे साला, एक बार बोल दिए ना हमको नहीं करवाना है कोनो मसाज। अच्छा ठीक है सर, दाढ़ी बना देते हैं। हाँ चुपचाप दाढ़ी बनाओ, दोबारा खोपड़ी मसाज का नाम लिया तो साले तो। A few inches later. चाचा बढ़िया से शीशा चमका देते हैं, कुछ माल पानी दे दीजिएगा ठीक ना। अरे तू पैसा लेके क्या करेगा? गर्लफ्रेंड से बतियाने के लिए एगो मोबाइल लेंगे। 1 minute 37 seconds later. साला कितना रुपया दिया चाचा, हमको तो गिनने भी नहीं आता है, ये तो 1 लिखा हुआ है। भाग साला, हमको खाली मोबाइल खरीदने से मतलब है। अरे ससुरी के, ये तो सब पर 1 लिखा हुआ है, इस पर भी 1 है साला, इस पर भी 1 है, दूर कितनो रहे, हमारा खाली एगो बढ़िया सा बटन वाला मोबाइल हो जाए, बात खत्म। A few inches later. अब मैं अपनी जान को कॉल करूंगा, लेकिन साला स्टार्ट कैसे होता है देखते हैं किताब में पढ़ के। जा साला, ये तो अंग्रेजी में लिखा हुआ है, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दूर साला। अब अपना दिमाग लगा के इसको चालू करना होगा, हमको तो लगता है ससुरा डुप्लीकेट मोबाइल पकड़ा दिया है, साला चालू नहीं हो रहा है। ए ससुर के नाती चालू हो जाओ चालू। देखते हैं जान को फोन धरा के, भकलोलिया। साला चालू हो जाता तो हम भी अपनी जान से पूछते बाबू ने थाना थाया थी नहीं, लेकिन इस साला चालू होने का नामे नहीं ले रहा है, और साला नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। साला ये मोबाइल है कि माथा के दर्द, चालू होने का नामे नहीं ले रहा है। अब बहुत हो गया साला, अब हम इसको 2 टुकड़ा कर देंगे, न रहेगा बांस, 9 बजेगी बांसुरी। ले साला ले। बहुत देर से दिमाग खराब किए हुए था। A few inches later. क्या हुआ बेटा? पप्पा बिलड़वा से पूछिए ना कौन क्रीम लगाता है, हमको भी गोरा होना है। ए रुक साला, भागता कहाँ है? बोलिए ना कौन क्रीम लगाता है, जल्दी बताओ, हमारा भतीजवा को भी गोरा होना है। अरे भैया ये नेचुरल ब्यूटी है। एक बेटा आज तो हर दिन खराब लग रहा है, चुपचाप क्रीम का नाम बताओ ना तो मार थप्पड़ के मुंह लाल कर देंगे। अरे भैया काहे पीछे पड़े हैं, हमको जाने दीजिए ना। ऐसे कैसे जाने दे, साला पूरा क्रीम गम कर ले है, जल्दी बता, बिको टर्मरिक है कि फेरन लवली? हम नहीं बताएंगे। A few inches later. आम कौन खाएगा? हम खाएंगे। हम तो 2 को खाएंगे। वो चाचा दीजिए ना आम। देते हैं ना रे, हल्ला काहे करता है, लो आम खाओ। लूट रे चला चले लूट जी है। अरे भाई ये तो बैगन हो। लो बिस्कुट खाओ। अरे बा ससुरी के आंखे में बिस्कुट घुसा दे। खिसियाइए नहीं सर, बिस्कुट खाइए। लाओ। पापा ये क्या है? ये स्टाइल मारने वाला यंत्र है बेटा। इससे क्या होता है पापा? इसको जो पहनता है ना वो एकदम हीरो माफिक लगने लगता है। हे या देखो। वाह पापा आप तो एकदम ऋतिक रोशन लग रहे हैं। भाग साला झूठो बोलता है। नो पापा हम सोच बोल रहे हैं। ठीक है थैंक यू। हो गाइस अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।